नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। मुझे आशा है कि आप लोग होली का जो त्यौहार है बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाए होंगे, और कि होली अब ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग लग जाएंगे फिर से पढ़ाई में। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं आपके दूसरे अध्याय, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका आज हम लोग एनसीईआरटी का जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग आपको आपके बीच डिस्कस करेंगे। हम सबों को पता है कि कोई भी अध्याय है और उस अध्याय का जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होता है वो खास करके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी वेलेबल होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपको विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है, बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता है कि सिलेबस जो है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जहाँ पढ़ते हैं तो शिक्षक क्या करता है, अपना अपना एक थ्योरी बना लेता है और आप पूरा का पूरा फोकस थ्योरी पे करते हैं और आप एनसीईआरटी प्रश्न की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और जब एग्जाम में एनसीईआरटी वाला प्रश्न पूछा जाता है आपको आउट ऑफ सिलेबस बुझाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको कम से कम बायोलॉजी 12 में जो 16 एक्सरसाइज है और प्रत्येक एक्सरसाइज के जो अंत में एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता है तो निश्चित रूप से आपको उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन करना चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके प्रश्नों का। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस हेडिंग का मतलब क्या होता है। तो हम सबको पता है कि जैसे पौधे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आवृत बीजी पौधा होता है और दूसरा होता है अनावृत बीजी पौधा। तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें फूल में क्या होता है कि बीज बनते हैं और उस बीज से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के फूल में आप देख रहे होंगे कि दो प्रकार के मुख्य रूप से जननांग पाए जाएंगे। यहाँ वाला जो भाग है इसको वर्तिकाग्र कहेंगे और ये वाला भाग जो है इसको प्राकोष बोलेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बड़ा वाला भाग आपको वर्तिकाग्र दिख रहा है और ये वाला भाग जो है ये हमारा प्राकोष है। इसी प्राकोष से प्राक्कण निकल करके जब इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरती है, अगर प्राक्कण स्वजातीय हो तो यह वर्तिकाग्र उसको ग्रहण कर लेती है और यह प्राक्कण वर्तिका नली होते हुए बीजांड द्वार के माध्यम से भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर पहले से अंड कोशिका के रूप में मादा युग्मक मौजूद होते हैं। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसके मिलने से जायगोट बनता है, जायगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से बीज बनता है और पुनः उस बीज से नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। यानी एक पौधा के माध्यम से दूसरे नए पौधों का जन्म हो जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, इसको हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इसका जो पहला एनसीईआरटी प्रश्न है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। थोड़ा सा आज दिक्कत क्या है कि इन्होंने इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को थोड़ा सा क्या कर दिया है कि छोटा कर दिया है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम पढ़ करके आपको सुना रहे हैं और आप इसको समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहां पर नर एवं मादा युग्मों कोभिद का विकास होता है। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। कह रहा है कि एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहां पर नर और मादा युग्मों कोभिद की उत्पत्ति होती है, जहां पर नर और मादा युग्मों कोभिद की उत्पत्ति होती है। इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि नर युग्मों कोविद अर्थात प्रागकण। यानी जब भी आपको याद रखना कि जब भी बोले नर युग्मों कोविद, नर युग्मों कोविद तो इसका मतलब हो गया, नर युग्मों कोविद का मतलब हो गया प्रागकण। याद रखना है, नर युग्मों कोविद का मतलब हो गया प्रागकण, नर युग्मों कोविद का मतलब हो गया प्रागकण। अब इसी में अगर बोल दे कि मादा युग्मों कोविद, तो मादा युग्मों कोविद का मतलब हो गया आपका अंड कोशिका। जब भी इसमें बोल दे मादा
युग्मकोविद, इसका मतलब हो गया अंड कोशिका, इसका मतलब हो गया अंड कोशिका। तो बच्चों यहाँ पर दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बोले नर युग्मकोविद तो इसका मतलब हो गया परागकण, और जब भी बोले मादा युग्मकोविद तो इसका मतलब हो गया अंड कोशिका, इसका मतलब हो गया अंड कोशिका। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पर पूछ रहा है कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जिससे कि नर युग्मकोविद यानी परागकण की उत्पत्ति हो रही है, या फिर मादा युग्मकोविद जिससे कि अंड कोशिका की उत्पत्ति हो रही है। तो याद रखना कि नर युग्मकोविद यानी परागकण की उत्पत्ति होगा आपका कहाँ से, पुंकेश्वर से। कहाँ से होगा, पुंकेश्वर से। और अगर मादा युग्मकोविद की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति होगी ये होगी हमारा किधर से, स्त्री केसर से। तो आंसर इसका यही हो जाएगा। याद रखिए कि एक आवृतबीजी पुष्प का जो नर युग्मकोविद है उसको हम लोग बोलते हैं परागकण, और इस परागकण की उत्पत्ति बच्चों होगी किसमें, पुंकेश्वर में। और इसी तरह एक आवृतबीजी पुष्प का जो मादा युग्मकोविद होता है इससे उत्पन्न होगी अंड कोशिका, और इसका जो जननांग होता है इसके लिए जो अंग होता है इस अंग को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। तो याद रखिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहां पर नर युग्मकोविद की उत्पत्ति होती है, तो इसका नाम हो गया पुंकेश्वर, और उन अंग का नाम जहां पर मादा युग्मकोविद की उत्पत्ति हो रही है उसका नाम हो जाएगा स्त्री केसर। तो इस प्रकार अगर इसका चित्र पूछे तो देखिए ये हमारा हो गया पुंकेश्वर का चित्र, और ये जो हमारा हो जाता है ये हमारा हो गया स्त्री केसर का चित्र, ये हमारा हो गया स्त्री केसर का चित्र। तो याद रखिए नर युग्मकोविद की उत्पत्ति होगी पुंकेश्वर में, और मादा युग्मकोविद की उत्पत्ति हो जाएगी कहाँ पे आपका, स्त्री केसर में। तो इस प्रकार हमारा जो पहला एनसीईआरटी का प्रश्न है वो समाप्त होता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहां पर नर एवं मादा युग्मकोविद की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि नर युग्मकोविद किसको कहते हैं। तो नर युग्मकोविद का मतलब परागकण, और परागकण की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो याद रखिएगा पुंकेश्वर में। फिर कह रहा कि मादा युग्मकोविद, तो मादा युग्मकोविद का मतलब अंड कोशिका, और अंड कोशिका की उत्पत्ति कहाँ हो रही है, तो ये होती है किधर, स्त्री केसर में। तो इन दोनों जननांग का नाम हो गया, एक का नाम हो गया पुंकेश्वर और दूसरे का नाम हो गया हमारा स्त्री केसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आंसर था। चलिए हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि कह रहा है कि लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी के बीच अंतर स्पष्ट की। तो जब भी बच्चों अंतर स्पष्ट करने वाला प्रश्न रहता है साइंस में खास करके, तो आप लोग क्या करते हो कि अगर दो के बीच अंतर दिखाना है तो एक को आप एक तरफ लिखते हो दूसरे को दूसरे तरफ लिखते हो। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी के बीच अंतर लिखना है। तो एक तरफ हम लिखेंगे लघु बीजाणु धानी और एक तरफ हम लोग लिखेंगे गुरु बीजाणु धानी। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है। तो जब हम दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कर देंगे उसके जस्ट नीचे हम लोगों को ये बताना होगा कि लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी की क्रिया के दौरान किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन का मतलब ये कि समसूत्री विभाजन होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसके बारे में हमारा सवाल पूछा जा रहा है। इसके लास्ट में फिर एक और प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन घटनाओं के अंत में, इन घटनाओं का मतलब क्या, लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी की घटनाओं के अंत में किस प्रकार की संरचनाएं बनेगी, उस संरचना का नाम बताना, किस प्रकार की संरचना बनेगी उस संरचना का नाम बताना। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो आपको तीन सवाल जो है एक ही प्रश्नों में इंक्लूड कर दिया गया। क्या क्या सवाल दिया गया, पहले तो लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी के बीच अंतर बताना है, इसके बाद कि लघु बीजाणु धानी के बनने के समय में या फिर गुरु बीजाणु धानी के बनने के समय में किस प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया हो रही है, और इसके बाद इन घटनाओं के लास्ट में बनने वाली संरचनाओं का भी नाम लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसका आंसर, जिसमें ये जानेंगे कि लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लघु बीजाणु धानी किसको कहते हैं।
लघु बीजाणु धानी का जो निर्माण होता है बच्चों, वो पुंकेश्वर के प्रागकोष के जो भीतरी संरचना होती है, जहां पर एक चतुष्कोणीय संरचना बनती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक प्रागकोष है, और ये पहले अगर बाहर से देखेंगे तो ये प्रागकोष आपको दो पालियों में विभक्त होगा, लेकिन जब इसको हम लोग अंदर से देखेंगे तो इसमें चार जो है ना कोना अवस्थित होता है। मतलब प्रागकोष का जो अंदर वाला भाग होता है, एक चतुष्कोणीय संरचना हो जाती है। उसी चतुष्कोणीय संरचना को हम लोग लघु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। और सीधे सीधे जानिए कि ये हमारा नर जननांग होता है। ये हमारा क्या होता है? नर जननांग होता है। तो जस्ट अगर लघु बीजाणु धानी नर जननांग है, इसके जस्ट अपोजिट जो गुरु बीजाणु धानी होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मादा जननांग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मादा जननांग। तो एक आप ये भी अंतर में लिख सकते हैं कि लघु बीजाणु धानी जो होता है वो नर जननांग होता है, और गुरु बीजाणु धानी जो होता है वो मादा जननांग होता है। दूसरी बात कि आप चूंकि नर जननांग है तो प्रागकोष के ही अंदर पाया जाएगा, और प्रागकोष के अंदर कैसा? तो प्रागकोष के अंदर एक चतुष्कोणीय संरचना होती है, उसी चतुष्कोणीय संरचना को हम लोग लघु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। जबकि इसका जस्ट विपरीत, अगर हम गुरु बीजाणु धानी की बात करें तो ये अंडाशय में विकसित होता है, और आप इस प्रकार की संरचना जैसे कि एक स्त्री केसर है, और स्त्री केसर का जो नीचे वाला भाग होता है अंडाकार भाग, उसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, और उस अंडाशय के अंदर पाए जाने वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। तो यही जो बीजांड होता है इसको हम लोग गुरु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। एक दिन बच्चे हमसे क्लास में पूछे थे कि सर लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी के बीच में अंतर बताइए। तो देखिए आप आसान भाषा में आप इसको लिख सकते हैं कि लघु बीजाणु धानी का मतलब नर जननांग, और गुरु बीजाणु धानी का मतलब मादा जननांग। अब चूंकि नर जननांग है तो वो प्रागकोष में बनेगा, और जो मादा जननांग है वो कहाँ बनेगा? स्त्री केसर में बनेगा। स्त्री केसर का जो सबसे निचला भाग होता है जिसको अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय के अंदर जो एक अंड फिर से संरचना होती है उसको हम लोग बीजांड कहते हैं, और उसी बीजांड से क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी होता है। जबकि प्रागकोष के अंदर एक चतुष्कोणीय संरचना पाई जाती है, उस चतुष्कोणीय संरचना को हम लोग लघु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमारा दो अंतर हो गया। अगर हम अगले अंतर की बात करें तो लघु बीजाणु धानी के चारों ओर कुल मिलाकर के चार आवरण पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि लघु बीजाणु धानी इस प्रकार की जो संरचना होती है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुल मिलाकर इसके अंदर चार जो है ना भित्ति से घिरा होता है। जो सबसे बाहरी भित्ति होती है उसको हम लोग बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। इसके बाद वाली जो भित्ति होती है उसको हम लोग अंतःस्थीसियम के नाम से जानते हैं। जो तीसरे स्तर की भित्ति होती है उसको हम लोग मध्य स्तर के नाम से जानते हैं, और जो सबसे अंदर वाला आवरण होता है उसको बच्चों हम लोग टेपिटम कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेपिटम कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि जो लघु बीजाणु धानी है, उस लघु बीजाणु धानी में कुल मिलाकर के उसका जो लघु बीजाणु धानी है वो चार आवरणों द्वारा घिरा होता है। जो सबसे बाहर वाला आवरण होता है उसको हम लोग बाह्य त्वचा कहते हैं, उसके अंदर वाला जो आवरण होता है उसको अंतःस्थीसियम कहते हैं, उसके अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग मध्य स्तर बोलते हैं, और जो सबसे आंतरिक भित्ति होता है उसको हम लोग टैपिटम के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैपिटम के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से अगर हम गुरु बीजाणु धानी की बात करें तो गुरु बीजाणु धानी में मुख्य रूप से जो इसका बीजांड होता है ना, ये दो आवरण से बना होता है, जिसमें कि बाहरी आवरण को हम लोग बाह्य आवरण बोलेंगे, और इसके अंदर वाले आवरण को हम लोग अंत आवरण के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में एक को इनर इंट्रूगमेंट कहेंगे और एक होता है आउटर इंट्रूगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या अंतर देखने को मिला कि जो हमारा लघु बीजाणु धानी था इसमें चार आवरण, और जो गुरु बीजाणु धानी है इसमें दो आवरण। लघु बीजाणु धानी का जो सबसे बाहरी वाला आवरण है इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य त्वचा, दूसरे नंबर वाला जो आवरण होगा उसे हम लोग बोलेंगे अंतःस्थीसियम, तीसरे नंबर वाला जो आवरण होगा उसे बोलेंगे मध्य स्तर, और चौथे नंबर वाला जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे टैपिटम। जस्ट इसके विपरीत अगर हम गुरु बीजाणु धानी की बात करेंगे तो गुरु बीजाणु धानी में कुल मिलाकर दो आवरण होगा, बाहरी आवरण को बाह्य आवरण और अंदर वाले आवरण को अंत आवरण, यानी आउटर इंट्रूगमेंट और इनर इंट्रूगमेंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो आवरण के भी आधार पर लघु बीजाणु धानी अलग है और गुरु बीजाणु धानी क्या है? अलग है।
अगर हम बात करें अगले अंतर की, तो याद रखिएगा कि लघु बीजाणु में क्या होता है कि अनेक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अनलिमिटेड संख्या में परागकण का निर्माण होता है। अनलिमिटेड मतलब असंख्य संख्या में परागकण का निर्माण होगा। तो ये भी एक प्रमुख पॉइंट है। क्या प्रमुख पॉइंट है कि जब भी लघु बीजाणु धानी की बात करेंगे और जब इसमें मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, इससे अनलिमिटेड संख्या में परागकण की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब गुरु बीजाणु धानी में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, इसमें चार आपको गुरु बीजाणु बनेंगे और उस चार गुरु बीजाणु में आपको याद रखना है कि तीन जो होता है वह क्रियाशील होगा और एक क्रियाशील होता है। जो अक्रियाशील होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और जो क्रियाशील होगा ना, उससे जो है ना भ्रूणकोष की उत्पत्ति हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, भ्रूणकोष की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली प्रक्रिया की भी बात करें तो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में आपको अंतर दिखेगा। इधर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बहुत अधिक संख्या में परागकण की उत्पत्ति होती है, लेकिन जब इधर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है तो इससे आपको मात्र चार जो है ना गुरु बीजाणु बनता है। इसमें से तीन जो है ना अक्रियाशील होता है और एक क्रियाशील होता है। जो अक्रियाशील होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, जो क्रियाशील होता है उससे भ्रूणकोष की उत्पत्ति होता है। तो यहाँ पर इस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखना है। और सबसे अंतिम जो है वो ये लिखा है कि परागकण रेखीय चतुष्कक टी आकार के अथवा कर्मित चतुष्कक के रूप में व्यवस्थित होता है, लेकिन जो गुरु बीजाणु धानी होता है ये हमेशा याद रखिएगा ये रेखीय क्रम में ही व्यवस्थित होता है। यहाँ पर अगर व्यवस्था की भी बात करेंगे तो व्यवस्था के भी आधार पर लघु बीजाणुधानी अलग होते हैं और गुरु बीजाणुधानी अलग होते हैं। इसमें इसका जो क्रम होता है ये रेखीय भी हो सकता है, चतुष्कोणीय भी हो सकता है, टी आकार का भी हो सकता है, लेकिन गुरु बीजाणुधानी जो होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, रेखीय क्रम में ही व्यवस्थित होता है। तो ये हम लोगों का हो गया अंतर। एक और अंतर शायद है, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। और इसके बाद हम लोग, चूंकि हम आपको शुरू में ही बताया कि इस प्रश्न में क्या है कि तीन प्रश्नों को इंक्लूड किया गया, अभी सिर्फ और हम ये जान रहे हैं कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर है। बीच में हम आपको बताएंगे कि दोनों के बीच में आपको जो अगला प्रश्न है वो क्या पूछा गया, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए पांचवा जो अंतर है कि प्राग कोष के स्फुटन से मुक्त हो जाते हैं, यानी लघु बीजाणु प्राग कोष के स्फुटन से मुक्त हो जाते हैं और ये जो है ना पौधा नर युग्मक ओविद होते हैं, इसमें नर युग्मक बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, जबकि गुरु बीजाणु जो है वृद्धि करके हमारा क्या बना लेता है, भ्रूणकोष बना लेता है। ये हमारा क्या बना लेता है, भ्रूणकोष बना लेता है। तो यहाँ पर याद रखना कि जो लघु बीजाणु धानी है इससे परागकण की उत्पत्ति हो रही है और जो हमारा गुरु बीजाणु धानी है उससे हमारा क्या बन रहा है, मादा युग्मक ओविद यानी अंड कोशिका की उत्पत्ति हो रही है। तो अंतिम जो है इसका आप ऐसे कर सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी जो है इससे क्या बनता है, नर युग्मक यानी परागकण की उत्पत्ति होती है और जो गुरु बीजाणुधानी है इससे मादा युग्मक यानी अंड कोशिका की उत्पत्ति होती है। इससे हमारा जो है ना अंड कोशिका की उत्पत्ति होती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसमें कुल मिलाकर तीन प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया गया। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में क्या अंतर है, वो मैंने बता दिया। अब इसमें जो दूसरा सवाल है कि लघु तथा गुरु बीजाणु के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब लघु बीजाणु धानी में जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है तो इससे क्या होता है, अनलिमिटेड संख्या में परागकण बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया। और गुरु बीजाणु धानी में जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है तो इससे आपको कुल मिलाकर चार गुरु बीजाणु बनते हैं। उस चार गुरु बीजाणु में से तीन अक्रियाशील होते हैं जो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और चौथा जो होता है जो क्रियाशील होता है उसे भ्रूणकोष की उत्पत्ति हो जाती है, उसे भ्रूणकोष की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। और फाइनली था कि अंतिम में क्या क्या संरचना बनता है, एक से आपका परागकण बन रहा है, एक से आपका अंड कोशिका का निर्माण हो रहा है। इस तरह से हमारा ये जो दूसरा प्रश्न है थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इसका जो हमारा सोल्यूशन है ये आपका ठीक है। देखिए हमारा जो तीसरा सवाल है, थोड़ा सा टाइपिंग करने के कारण ये गड़बड़ किया है और यहाँ पर ये होना चाहिए कि एक एक प्रश्नों को अलग अलग स्थान देना चाहिए, तो दो खत्म हुआ उसके जस्ट नीचे में ये तीन दे दिया। चलिए हम उसे समझा रहे हैं, आप समझिएगा।
करा कि निम्नलिखित शब्दावली को, शब्दावली का मतलब होता है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है परागकण दिया गया है, बीजाणु जनन उत्तक दिया गया है, लघु बीजाणु चतुष्क दिया गया है, प्राग मातृ कोशिका दिया गया है, समझे, या फिर नर युग्मक दिया गया है। ये हमारा क्या है कि कुछ शब्दावली है, कहता है कि इन शब्दावली को कर्म के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपके बात दे देगा बच्चा, किशोरावस्था, जवान, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, ये एक प्रकार का क्रम है कि सबसे पहले बच्चा आया, बच्चा से लोग जवान हुआ, जवान से प्रौढ़ावस्था में गया, प्रौढ़ावस्था से बुढ़ावस्था में पहुंच गया। अब इसी में इसी को क्या करेगा कि अनलिमिट कुछ से कुछ दे दे, जैसे प्रौढ़ावस्था दे दिया, फिर बच्चा दे दिया, फिर जवान दे दिया, फिर आपको बचपन दे दिया, तो आपको क्या इसको सही क्रम में सजाइए, तो सबसे पहले कौन सा स्टेज आता है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ शब्दावली दिए गए हैं, इन शब्दावली को आपको क्रम के अनुसार सजाना, मतलब लैंगिक प्रजनन के दौरान, यानी जब किसी पौधे में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होगी उस दौरान सबसे पहला किस शब्दावली का आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दावली दिया गया, जैसे प्राक्कन दिया गया है, बीजाणु जनन उत्तक दिया गया है, लघु बीजाणु चतुष्क दिया गया है, प्राग मातृ कोशिका दिया गया, और नर युग्मक दिया गया। इसको सजाना है कि सभी वर्ड में से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। इन सभी शब्द में सबसे पहले आएगा बीजाणु जनन उत्तक, सबसे पहले आएगा बीजाणु जनन उत्तक, क्योंकि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है प्रागकण बनने का, तो प्रागकण बनने का जो सबसे पहला प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु जनन उत्तक। और फिर इस बीजाणु जनन उत्तक के बाद प्राग बनेगा, इसी प्राग का दूसरा नाम होता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। जब ये प्राग बन जाएगा तो यही प्राग को धीरे धीरे लघु बीजाणु चतुष्क नाम देंगे, और इससे बन जाएगा धीरे धीरे प्रागकण, इससे बन जाएगा हमारा धीरे धीरे प्रागकण, और यही प्रागकण बाद में दो भाग में बट करके आपका नर युग्मक का निर्माण कर लेगा, और जिसमें एक प्राथमिक नर युग्मक कहलाएगा और दूसरा आपका द्वितीयक नर युग्मक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आप सजा सकते हैं, एक पौधे में जब प्राक्कन बनने की प्रक्रिया होती है या फिर नर युग्मकोवित बनने की प्रक्रिया होती है, तो इसका जो सबसे पहला प्रक्रिया होता है उसको हम लोग बोलेंगे बीजाणु जनन उत्तक, दूसरी प्रक्रिया को बोलेंगे प्राग या लघु बीजाणु मातृ कोशिका, तीसरी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे लघु बीजाणु चतुष्क, और चौथी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे प्राक्कन, और सबसे अंतिम प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे नर युग्मक, सबसे अंतिम प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे नर युग्मक। यानी एक अव्यवस्थित शब्दावली दी गई थी, उस अव्यवस्थित शब्दावली को हमने क्या क्या एक सही क्रम में सजा दिया, जो कि हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 4, इसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है ये चित्र बनाने के लिए कह रहा है, तो आप इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको भी जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो चित्र बनाना आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रारूपिक आवृत बीजी बीजांड के भाग को दर्शाते हुए वो भी साफ सुथरा और उसके सभी भागों का नाम बना देना। तो आपको बोर्ड पे यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है जो कि हमारा बीजांड का चित्र है, और इस बीजांड के चित्र का कौन 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 सा भाग है मैं उसको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए बीच में आपको अंडाकार संरचना दिख रहा है जिसमें कि कुल मिलाकर के आपको 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय वाला संरचना दिखेगा। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश, जो कि यहाँ पर लिखा गया एम्ब्रायो सैक, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एम्ब्रायो सैक, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश, इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीजांड का स्वच्छ चित्र बनावे और उसका नामांकन करें, ये एग्जाम में आपको कई बार जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिए कि इसका जो हमारा बीच वाला चित्र है इसको बोलते हैं एम्ब्रायो सैक या फिर बोलते हैं भ्रूणकोश। अब इस एम्ब्रायो सैक में जो बीच वाली कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक, जिसको अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक, हिंदी में इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक, याद रखो इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक केंद्रक। इसके बाद आपका ऊपर वाला जो है इसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल, हिंदी में बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। और नीचे वाले में भी आपको 3 कोशिका दिखेगा, तो बीच वाली जो कोशिका वो एग सेल यानी अंड कोशिका कहलाएगी।
बीच वाली जो कोशिका है उसको हम लोग बोलेंगे एग सेल, याद रखिएगा इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका, और इसके दोनों बगल वाली जो कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्रिड सेल यानी सहायक कोशिका, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्राइड्स यानी सहायक कोशिका, इसको हम लोग बोलेंगे सहायक कोशिका। तो याद रखिएगा कि बीजांड के बीच में जो अंडाकार संरचना है इस पूरी संरचना को हम लोग बोलेंगे भ्रूणकोष, इस भ्रूणकोष के जो यहाँ वाली कोशिका है इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिमुख कोशिका, नीचे में भी तीन कोशिका होगा जिसके बीच वाले कोशिका को अंड कोशिका और दोनों बगल वाले कोशिका को हम लोग बोलेंगे सहायक कोशिका। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये दो आवरण है, एक आवरण आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और एक आवरण आपको और भी इसमें आपको यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के बीजांड के बाहर दो आवरण होता है, तो अंदर वाला जो आवरण होता है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर इंट्यूबमेंट, हिंदी में बोलते हैं मतलब आंतरिक आवरण, और एक होता है सॉरी बाह्य आवरण, और एक होता है इनर इंट्यूबमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक आवरण। यानी हमारा जो बीजांड है ना ये कुल मिलाकर के दो आवरणों द्वारा घिरा होता है, तो जो बाहर वाला आवरण है उसको हम लोग बाह्य आवरण बोलेंगे और जो अंदर वाला आवरण है उसको हम लोग अंतः आवरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसको एक स्टैंड की भांति यानी पूरे बीजांड को, जैसे आपके घर में एक स्टैंड फैन होता है तो आगे वाला गोल भाग चलता है लेकिन पीछे से उसको एक पकड़ के रखता है, इसी तरह से बीजांड को भी क्या करता है एक स्टैंड जो है वो पकड़ के रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड ब्रिंथ, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, यहाँ लिखा हुआ है फ्यूनिकल, हिंदी में इसको बोलते हैं बीजांड ब्रिंथ। और बीजांड ब्रिंथ और अंडाशय जिस भाग में जाकर के मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड को मिलाने वाला जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं हीलम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हीलम, और ये अंडाशय का जो ऊपर वाला भाग है उसको चलाजा बोलेंगे, ऊपर वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं चलाजा बोलेंगे, और नीचे वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफाइल यानी बीजांड द्वार, नीचे वाला जो भाग है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफाइल यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। तो ये हमारा एक चित्र था किसका, भ्रूणकोष का, और उस भ्रूणकोष के अलग अलग जो पार्ट है उन सभी पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से 5-10 मिनट बैक जाइए और एक तरफ से सभी चित्रों को आप अच्छी तरह से अध्ययन करिए और इसको हूबहू उतारिए, और उतार करके असाइनमेंट के रूप में आपको ऑफलाइन क्लास के दौरान जमा करना, चूंकि आप लंबा चौड़ा होली मना लिए तो कहीं ना कहीं होली का जो उत्साह है वो तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए, लेकिन भविष्य में ये उत्साह फीका ना पड़े इसके लिए अभी से हम लोग को तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि अभी बाबू और माता जी के कमाई पर जम करके होली मना लिए और जब आप अपने में जो एक स्थान होना चाहिए उसको अगर कायम नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से भविष्य में आपकी होली फीकी पड़ जाएगी, इसीलिए भविष्य में होली फीकी ना पड़े इसके लिए जम करके तैयारी कीजिए, चाहे अभी जो भी विषय पढ़ने का मौका मिला उसको पढ़िए ताकि हमारा जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो और भविष्य रंगमय हो और प्रत्येक दिन हमारे लिए होली हो, इतनी खुशी हमारे जीवन में आए, इसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत करना आपको पड़ेगा। चलिए हमारा जो अगला सवाल है इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है कि आप मादा युग्मों कोविद के एक बीजाणु जनक के विकास से क्या समझते हैं, एक बीजाणु जनक के विकास से क्या समझते हैं। तो बड़ा इजी सवाल है कि एक मादा युग्मों कोविद, जब भी मादा युग्मों कोविद की बात करें तो आपको ध्यान रखना कि मादा युग्मों कोविद माने स्त्री केसर, मादा युग्मों कोविद माने स्त्री केसर। तो मादा युग्मों कोविद का निर्माण कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा कि मादा युग्मों कोविद का निर्माण होता है स्त्री केसर के भीतर, स्त्री केसर के भी भीतर किधर, स्त्री केसर के भीतर जो अंडाशय होता है उस अंडाशय के अंदर पाए जाने वाला जो बीजांड है ना उसी को हम लोग मादा युग्मों कोविद के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मादा युग्मों कोविद के एक बीजाणु जनन के विकास से आप क्या समझते हैं, आंसर हो जाएगा कि मादा युग्मों कोविद का एक बीजाणु जनन का विकास का क्या मतलब होता है कि अधिकांश आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी माने क्या, जिसमें कि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है, क्या जी मादा युग्मों कोविद का विकास एक गुरु बीजाणु से होता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब यहाँ पर यानी अंडाशय के भीतर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के कारण इसमें क्या होता है
कि चार गुरु बीजाणु बनते, याद रखिएगा कि जब भी स्त्री केसर के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इस अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप आपको कुल मिलाकर के चार गुरु बीजाणु बनते हैं। इस चार गुरु बीजाणु में से तीन गुरु बीजाणु अक्रियाशील होते हैं और एक जो गुरु बीजाणु होते हैं वो क्रियाशील होते हैं। तो जो अक्रियाशील होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, लेकिन जो क्रियाशील होता है ना उससे क्या होता है कि एक अंडाकार संरचना का निर्माण होता है जिसको हम लोग भ्रूण कोष कहते हैं, याद रखिएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण कोष कहते हैं। और यही भ्रूण कोष क्या होता है आपको याद रखना, 8 केंद्रीय और 7 कोशिका वाली संरचना होती है। इसी भ्रूण कोष को हम लोग 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय संरचना वाली संरचना कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा भ्रूण कोष होता है, इसमें कुल मिलाकर के 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं पाई जाती है, 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं पाई जाती है। आप सोच रहे हैं कि सर कोशिका की संख्या क्यों घट रही है, क्योंकि ये बीच वाला जो दोनों केंद्रक है ना दोनों मिल करके एक कोशिका बना लेती है, तो केंद्रक की संख्या 8 रह जाएगी और कोशिका की जब भी बात करेंगे तो कोशिका कितना हो जाएगा, उसकी संख्या हो जाएगी 7। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा कि जब भी स्त्री केसर के अंदर, अंडाशय के अंदर, बीजांड के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इस अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चार गुरु बीजाणु बनते हैं। उस चार गुरु बीजाणु में से तीन गुरु बीजाणु अक्रियाशील होते हैं और एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होते हैं। जो अक्रियाशील होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और जो क्रियाशील होते हैं उससे क्या होता है कि एक मादा युग्मों को भी यानी भ्रूण कोष की उत्पत्ति होती है। और यह जो भ्रूण कोष होता है ये 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाली संरचना होती है। जो भ्रूण कोष होती है 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाली संरचना होती है, 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाली संरचना होती है। चलिए हमारा जो छठा सवाल है इसको हम लोग देख ले रहे हैं। कहता है कि एक अस्पष्ट एवं साफ सुथरे मादा युग्मों कोवित का चित्र बनाइए, यानी भ्रूण कोष का चित्र बनाइए जिसमें आपको 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक जो है वो निश्चित रूप से दिखना चाहिए। तो देखिए मैं एक आपको नीचे में चित्र बना दे रहा हूँ, उस चित्र के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा कि आपको कह रहा कि एक मादा युग्मों कोवित, मादा युग्मों कोवित का चित्र बनाना है जिसमें कि आपको ये दिख जाए कि जिसमें कि 8 आपको केंद्रक दिखे और 7 कोशिका दिख जाए, 8 केंद्रक दिखे और 7 कोशिका दिख जाए। तो देखिए एक अपरिपक्व जो मादा युग्मक कोविद होता है इसका ये स्टेज है, जैसे फर्स्ट स्टेज में इस प्रकार आता है, सेकेंड स्टेज में यहाँ आ जाता है, थर्ड स्टेज हो गया, फोर्थ स्टेज हो गया, फाइव स्टेज हो गया और लास्टली जो है ना आपका भ्रूण कोष इस प्रकार की संरचना बना लेती है। इसी संरचना को अगर हम जूम करके देखें तो एक परिपक्व जो आपका भ्रूण कोष बोलिए या फिर मादा युग्मक कोविद बोलिए, इसकी संरचना आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि केंद्रक की संख्या कुल मिलाकर 8 है, जैसे गिन लीजिए 3 ऊपर 2 बीच में और 3 नीचे, तो हो गया कुल मिलाकर 8। लेकिन अगर कोशिका की बात करेंगे तो ये बीच वाला दोनों आपस में मिल जाता है और मिल करके एक कोशिका बना लेती है, इसलिए इसमें केंद्रक की संख्या हो गया 8 और कोशिका की संख्या हो गया 7। अब कह रहा कि सभी का नाम बता दीजिए, कितना ईजी है, ये जो ऊपर वाली जो कोशिका है इसको हम लोग बोलेंगे, ये बीच वाली जो कोशिका है इसको बोलेंगे अंड कोशिका, क्या बोलेंगे अंड कोशिका, और ये जो दोनों बगल वाली कोशिका है इसको हम लोग बोलेंगे सहायक कोशिका, इसको हम लोग बच्चों बोलेंगे सहायक कोशिका, ये जो आपका बीच में है इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, और ये जो नीचे वाला कोशिका है इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका। यानी एक हो गया आपका एग सेल, एक हो गया आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस और नीचे वाला हो गया एंटीपोडल सेल। तो ये एक कुल मिलाकर के मादा युग्मक कोविद का स्वच्छ परिपक्व चित्र है जो कि अनमेच्योर स्टेज में इस प्रकार का रहता है और फाइनली अलग अलग स्टेज से गुजरने के बाद जब ये मेच्योर हो जाता है तो आपको इस प्रकार की संरचना दिखेगा। और इस प्रकार की संरचना में आपको 8 केंद्रक देखने को मिलेंगे और इसमें 7 कोशिका जो है वो देखने को मिलेगा, 8 केंद्रक और 7 कोशिका जो आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा जो 7वां सवाल है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उन मिलिय,
प्रागन पुष्पी से क्या तात्पर्य है? क्या अनून मिलिया पुष्पी प्रागन संपन्न होता है? अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। तो देखिए, अनून मिलिया पुष्पी प्रागन का मतलब होता है कि वैसे पुष्प जिसका फलक कभी खुलता ही ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा क्या है, वर्तिकाग्र है और इसके अंदर ही हमारा प्रागकोष है। समझिए, एक पुष्प है जिसमें कि एक वर्तिकाग्र भी मौजूद है और प्रागकोष भी मौजूद है, लेकिन इस फूल का जो फलक है वो 100% बंद है। मतलब ये फूल का जो फलक है वो खुल ही नहीं रहा। इसका मतलब है फलक मैंने क्या, इसके ऊपर में जो आपका पंखुड़ी है वो हमेशा बंद है। अब क्या होगा कि इस प्रकार के पुष्प को हम लोग बोलेंगे आवृत पुष्प। याद रखिएगा कि वैसा पुष्प जिसके अंदर प्रागकोष भी हो और वर्तिकाग्र भी हो और उसका क्या हो कि द्विलिंगी पौधा हो, इसके बावजूद भी इसके जो फलक है वो हमेशा बंद रहता हो, इसका फलक खुलता ही ना हो, इस प्रकार के पुष्प को हम लोग बोलते हैं आवृत पुष्प। इस प्रकार के पुष्प को हम लोग बोलते हैं आवृत पुष्प। और इस आवृत पुष्प में क्या होगा कि जब इसका प्रागकोष परिपक्व होगा, इससे परागकण निकलेगा, तो ये परागकण स्वतः ही क्या हो जाएगा कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा। तो परागण की इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं अनुन्मिल्य पुष्पी परागण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुन्मिल्य पुष्पी परागण। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अनुन्मिल्य पुष्पी परागण किसको कहते हैं? तो अनुन्मिल्य पुष्पी परागण वे परागण होते हैं जो खास करके आवृत बीजी पुष्प में पाए जाते हैं, सॉरी आवृत पुष्प में पाए जाते हैं। आवृत पुष्प का मतलब हो गया कि वैसे द्विलिंगी पुष्प जिसका फलक कभी खुलता ही ना हो, अर्थात एक पुष्प के पराग कोष से निकलने वाला पराग कण स्वतः ही उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाता हो, तो इस प्रकार के जो परागण की क्रिया होती है इसको हम लोग अनुन्मिलीय परागण के नाम से जानते हैं, या अंग्रेजी में इसको हम लोग कैलेस्ट्रोगेमी के नाम से जानते हैं। चलिए, उसी का हमारा जो है डिस्कशन किया गया था। अब यहाँ पर सवाल है कि पुष्प द्वारा स्व परागण रोकने के लिए किन्हीं दो जो है ना विधि का उल्लेख करें। यानी आपको क्या करना है कि जैसे पुष्प द्विलिंगी है लेकिन इसमें आपको स्व परागण को रोकना है, क्योंकि द्विलिंगी पुष्प है तो स्व परागण हो जाएगा, लेकिन दो ऐसे क्रिया विधि का नाम बताइए जिसमें कि द्विलिंगी पुष्प होने के बावजूद भी इसमें स्व परागण की क्रिया ना हो। तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा स्वबंधता। मैंने आपको क्लास में बताया था कि कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प हैं जिसमें कि एक ही पुष्प में प्रतिकाग्र भी है और परागकोष भी है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ प्राकृतिक रोध उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि मकड़ी जाल लगा दिया या किसी कीट पतंग का पंख टूट करके गिर गया। अब इस स्थिति में इससे निकलने वाला जो परागकण है ना, इस अवरोध के कारण वर्तिकाग्र पर नहीं जा पाएगा, और जब नहीं जा पाएगा तो इसमें स्व परागण की क्रिया ना हो करके क्या हो जाएगी, पर परागण की क्रिया हो जाएगी। तो ये हमारा एक पहला क्रिया विधि हो गया। अगर हम दूसरा क्रिया विधि की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं पाई जाती है, बहुत सारे ऐसे रोधक तैयार होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि द्विलिंगी होने के बावजूद भी, जैसे मान लीजिए इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे आप सुने होंगे कि भिन्न काल पक्वता, यानी एक ऐसा पौधा है जो कि द्विलिंगी है लेकिन उसका प्रागकोष जब परिपक्व हुआ तब तक वर्तिकाग्र अनमेच्योर है, और जिस दिन वर्तिकाग्र मेच्योर हुआ तो प्रागकोष क्या हो गया कि नष्ट हो गया। अब क्या कि द्विलिंगी होने के बावजूद भी इसमें स्व परागण की क्रिया नहीं हो पाएगी, तो इन दोनों विधि को आप आराम से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या समझे, यहाँ पर हम लोग ये समझे कि जो पुष्प है वे द्विलिंगी है लेकिन इसमें स्व परागण नहीं होना, तो इसके दो विधि बताई। तो पहला विधि आपने जान गया कि बीच में कोई प्राकृतिक रोध आ जाएगा जिसके कारण प्राकोष से निकलने वाला प्राकण उसके वर्तिकाग्र पर नहीं जा पाएगा। दूसरी कार्य विधि क्या कि प्रागकोष अलग समय में परिपक्व हो रहा है और वर्तिकाग्र जो है अलग समय में परिपक्व हो रहा है, तो दोनों द्विलिंगी होने के बावजूद भी एक दूसरे पर प्राकण का ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों विधि हैं जिससे आप स्व परागण की क्रिया को रोक सकते हैं। तो ये बड़ा आसान प्रश्न था, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि स्व अयोग्यता क्या है। स्व अयोग्यता वाली प्रजाति में स्व परागण की प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? देखिए, स्व योग्यता का मतलब होता है कि कुछ ऐसे
द्विलिंगी पुष्प होते हैं, बच्चों याद रखिएगा, कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिसके वर्तिकाग्र पर जब उसी जाति का परागकण गिरता है तो वर्तिकाग्र क्या करती है कि विषैला प्रभाव छोड़ना शुरू कर देती है, जिसके कारण या तो वर्तिकाग्र नष्ट हो जाता है या परागकण नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के पौधों में क्या होता है कि स्वपराकण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, और पौधों में पाए जाने वाले इस गुण को हम लोग स्व अयोग्यता के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की जो पौधे होते हैं इसमें पर परागण की विधि द्वारा क्या होता है कि परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये हमारा इसका सवाल है, इसी को यहाँ पर डिस्कशन में दिया गया है। हम लोग सीधे सीधे समझेंगे स्व अयोग्यता का मतलब क्या, जब एक पुष्प के परागकोष से निकलने वाला परागकण जब उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वर्तिकाग्र विषैला प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप या तो वर्तिकाग्र नष्ट हो जाती है या फिर परागकण नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये पौधा द्विलिंगी होने के बावजूद भी स्वपरागण की क्रिया करने में असमर्थ होते हैं। और इस प्रकार के पौधों में क्या होता है कि पर परागण की क्रिया के माध्यम से ही परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो पौधों में पाए जाने वाले इस गुण को, इस लक्षण को हम लोग स्व अयोग्यता के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ जीके सिंह और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों आज हम लोग अध्ययन करेंगे आपके 12th बायोलॉजी का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसका आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इससे पूर्व इसका पार्ट 1 वीडियो भी बना है, जिसमें हम लोग एक प्रश्न से लेकर के 9 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 10 प्रश्न से लेकर के 18 प्रश्नों का जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल और आपके एनसीईआरटी किताब का 10वां सवाल। देखिए हमारा जो 10वां सवाल है ये क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे, और अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें और वहां से हम लोग इसका डिस्कशन करने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर जो सवाल है लिखा है कि बैगिंग, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं बोरा वस्त्र आवरण, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, बहुत सारे बच्चे इस पे हंस रहे थे, सर ऐसा ऐसा भी नाम बायोलॉजी में होता है, होता है चूंकि, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बहुत भी जैसे हैं बायोलॉजी में जिसका कि अंग्रेजी नाम लिख करके रखिए, और अंग्रेजी नाम भी जो है ना चलता है। जैसे मान लीजिए बैगिंग, यहाँ हिंदी में लिख दिए, अगर इसको चाहे तो अंग्रेजी में ऐसे भी बैगिंग लिखते हैं, तो दोनों बिल्कुल सही है। तो बायोलॉजी में अगर आपको अंग्रेजी नहीं पता है तो उसको हिंदी में अंग्रेजी कर दीजिए, उसके भी आपको सॉलिड नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर सवाल है बैगिंग, जिसको कि एनसीईआरटी किताब के अनुसार बोलते हैं बोरा वस्त्र आवरण, या थैली लगाना तकनीक क्या है, या थैली लगाना तकनीक क्या है, और इसमें कह रहा कि पादप जनन कार्यक्रम में या कैसे उपयोगी, पादप जनन कार्यक्रम में या कैसे उपयोगी है। देखिए सबसे पहले आपको इसको समझना होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है बहुत सारे बच्चे बोल लेंगे सर बोर्ड पर से आंसर दिख नहीं रहा, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए आए, ये जो लिखा हुआ बात है इसके लिए मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा चुका हूँ, आप अपने अपने मटेरियल में उसका आंसर समझिए। बस अभी कोशिश करना कि इसका आंसर क्या होगा और इसको हमको कैसे लिख पाना है इसको समझना। देखिए बैगिंग या थैली लगाना जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया खास करके कृत्रिम टंकरीकरण विधि के लिए अपनाई जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कृत्रिम संकरीकरण विधि किसको कहते हैं, जैसे हमारे आसपास में अभी जितने भी बीज हैं उन सभी बीज का निर्माण अगर वो आर्टिफिशियल तरीके से कराया जाए, हाइब्रिड बीज की उत्पत्ति कराया जाए, तो इस प्रक्रिया को कराने के लिए एक विधि अपनाई जाती है, उस विधि को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन यानी कृत्रिम संकरीकरण। तो जब हम लोग कृत्रिम संकरीकरण की विधि अपनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक निम्न गुणवत्ता वाले पौधों में
उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन कराना होता है। अब देखिए, चूंकि निम्न गुणवत्ता वाला पौधा है तो इसमें अगर कुछ ना कुछ अगर बदलाव नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उससे निम्न गुणवत्ता वाला ही बीज उत्पन्न होगा। लेकिन हमको क्या करना है कि निम्न गुणवत्ता वाले पौधों में उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन करना। इसके लिए हम लोग दो विधि अपनाते हैं। एक विधि होता है बैगिंग और दूसरा जो विधि होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक विधि होता है बैगिंग या कैपिंग। इस विधि को हम लोग जानते हैं पहले कि बैगिंग या कैपिंग विधि होता क्या है। इसमें क्या होता है कि निम्न गुणवत्ता वाले प्राग कोष को पहले क्या करते हैं, परिपक्व होने से पहले ही काट कर हटा देते हैं। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं विपोषण। लेकिन क्योंकि अगर आप प्राग कोष को हटा भी देंगे, अगर निम्न गुणवत्ता वाले पौधों के प्राग कोष को अगर हटा भी देते हैं तो क्या होगा कि उसको हटाने से आपका काम चलने वाला नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर आप उसके प्राग कोष को हटा दिए लेकिन वर्तिकाग्र अगर खुला हुआ है तो अगल बगल में अगर कोई निम्न गुणवत्ता वाला प्राग कोष है तो उसके भी तो प्राकण उस पर आकर के गिर सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि फिर से इसमें निम्न गुणवत्ता वाला ही बीज का उत्पादन हो जाएगा। तो प्राग कोष को काट कर हटाने के साथ साथ निम्न गुणवत्ता वाले प्राग वर्तिकाग्र को, याद रखिएगा, निम्न गुणवत्ता वाले पौधों के वर्तिकाग्र को भी प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र को परिपक्व होने से पहले ही प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। अब क्यों ढकते हैं? इसलिए इसको ढकते हैं क्योंकि कोई अवांछनीय परागकण इस पर आकर के ना गिरे, यानी कोई खराब परागकण इस पर आकर के ना गिरे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वर्तिकाग्र को हम लोग ढक देते हैं। तो अब क्या है कि जब किसी पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र को प्लास्टिक से ढकते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बैगिंग या वस्त्र बोरा आवरण के, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हो। तो इसका सीधा सा आंसर यही हो जाएगा कि जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र को प्राप्त परिपक्व होने से पहले ही उसको प्लास्टिक से ढक दिया जाता है ताकि कोई अवांछनीय यानी खराब परागकण आकर के इस पे ना गिरे, तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं बोरा वस्त्रावरण, या अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं बैगिंग। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैगिंग कहते हैं। अब यहाँ कह रहा कि पादप जनन कार्यक्रम। देखिए बच्चों, पादप जनन कार्यक्रम का मतलब होता है कि हमें निम्न गुणवत्ता वाले पौधों में उच्च गुणवत्ता वाले बीज का निर्माण कराना, हमारा पादप कार्यक्रम कहलाता है, पादप प्रजनन कार्यक्रम कहलाता है। तो इस कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी, इसमें यह इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि हम लोग जब क्या करते हैं, वर्तिकाग्र को ढक देते हैं और प्राग कोष को काट देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब यह वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है तो किसी उच्च गुणवत्ता वाले प्राग कोष से प्रागकण को इकट्ठा करके लाते हैं और ये जो आपका वर्तिकाग्र है इसको हम लोग सावधानी पूर्वक फिर से क्या करते हैं, हटा देते हैं, प्लास्टिक को हटा देते हैं और इसके ऊपर जो है उच्च गुणवत्ता वाले परागकण को छिड़क देते हैं और इसके बाद अब परागण की क्रिया होगी। इससे जो बीज बनेंगे ये बीज जो है एकदम उच्च गुणवत्ता वाला होगा और इसी बीज को हम लोग हाइब्रिड बीज के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए ये आपको दो विधि अपनाई जाती है, एक बैगिंग की और एक होता है कि विपोषण की, जिसमें आप प्राग कोष को परिपक्व होने से पहले काट कर हटा देते हैं और वर्तिकाग्र को जब प्लास्टिक से ढक कर रखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बैगिंग या वस्त्र बोरा आवरण। उम्मीद करते हैं कि आप ये जो 10 नंबर प्रश्न है इसको समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला सवाल। देखिए हमारा जो दूसरा सवाल है वो पूछ रहा है कि त्रिसंलयन क्या है और यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाइड का नाम बता दो। देखिए त्रिसंलयन का मतलब क्या होता है, त्रिसंलयन का मतलब होता है कि तीन अगुणित कोशिकाओं का आपस में मिलना। तो आप सबको पता है कि भ्रूण कोष के अंदर जो बीच वाली कोशिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। चूंकि यहाँ पूछ रहा है कि नाम भी बताना है तो आप ये जो संरचना एक अंडाकार संरचना देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोष। इस भ्रूण कोष के मध्य भाग में दो कोशिकाएं पाई जाती है जिसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक।
क्योंकि मैंने इसका थ्योरी में बड़ा डिटेल से आपको बताया था। अब क्या है कि पहले से यहाँ दो कोशिका है और ये दोनों के दोनों मादा युग्मक है और ये दोनों मिलकर के आपस में एक कोशिका का निर्माण कर लेता है जिसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक के नाम से बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक बोलिए, या फिर जब ये आपस में कोशिका बना लेती है तो इसको हम लोग मादा युग्मक भी कह सकते हैं। इसी द्वितीयक केंद्रक के साथ जब द्वितीयक नर युग्मक आपस में मिलता है, द्वितीयक नर युग्मक आपस में मिलता है, याद रखिएगा द्वितीयक नर युग्मक जब आपस में मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है, चूंकि दो दो केंद्रक पहले से है और एक केंद्रक और आकर के इसमें मिल गया, यानी कुल मिलाकर तीन अगुणित कोशिकाओं का आपस में मिलन हुआ, तो इस प्रक्रिया को हम लोग त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या जानते हैं, त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। अब पूछ रहा है यह कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि ये भ्रूणकोश के अंदर होता है, याद रखिएगा ये भ्रूणकोश के अंदर होता है। और कहता है त्रिसंलयन में सम्मिलित होने वाले न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखिए, तो त्रिसंलयन में सम्मिलित होने वाले जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसका नाम होता है द्वितीयक केंद्रक। इसका नाम क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है। आप इसको फिर ऐसे समझ लीजिए, त्रिसंलयन का मतलब होता है तीन अगुणित कोशिकाओं का आपस में मिलना, त्रिसंलयन कहलाएगा। आप सबको पता है कि भ्रूणकोश के अंदर द्वितीयक केंद्रक होते हैं, इसमें दो अगुणित कोशिकाएं होती है और बाहर से जब एक द्वितीयक नर युग्मक आता है, जब ये तीनों आपस में मिल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। कहता यह कहाँ होता है, तो याद रखिए ये भ्रूणकोश के अंदर होता है। और इसमें पूछ रहा है कि त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियोटाइड का नाम बताइए, तो त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियोटाइड का जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक केंद्रक बोलेंगे। तो चलिए हमारा जो ये 11 नंबर प्रश्न है ये समाप्त होता है। देखिए 12 नंबर सवाल है, कह रहा कि एक निषेचित बीजांड में युग्मनज की कुछ समय के बाद की प्रस्तुति के बारे में आप क्या सोचते हैं। जैसे मान लो एक निषेचित बीजांड में युग्मनज, युग्मनज का मतलब होता है कि जब नर युग्मक, याद रखिए जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, यानी जब अंड कोशिका और प्राथमिक नरयुग्मक आपस में मिलते हैं, तो इससे बन जाता है हमारा युग्मनज, जो कि यहाँ लिखा हुआ है जायगोट, यहाँ बन जाता है जायगोट, बन जाता है जायगोट। तो अब ये सवाल क्या कह रहा है कि जायगोट के बाद इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, तो याद रखना जायगोट के बाद धीरे धीरे ये बदल जाता है इम्ब्रायो में, इम्ब्रायो मतलब भ्रूण में, यानी जायगोट धीरे धीरे बदल जाता है भ्रूण में। फिर इस भ्रूण से धीरे धीरे जो है बन जाता है बीज, और जब ये इस बीज में अंकुरण की प्रक्रिया संपन्न होती है इससे एक नए पौधों का निर्माण होता है। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज की कुछ समय की प्रस्तुति के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो याद रखिएगा एक बीजांड के अंदर जब प्राथमिक नरयुग्मक और द्वितीयक नरयुग्मक यानी अंड कोशिका और परागकण आपस में मिलते हैं तो इससे जायगोट बनते हैं, धीरे धीरे जायगोट चेंज होकर के इम्ब्रायो में बदल जाता है, इम्ब्रायो से बीज बनता है, भ्रूण सीड बनता है, और इस ये सीड में जब अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो इससे एक नए पौधों का विकास होता है और एक नई जनरेशन वाली पौधों का निर्माण होता है। तो यही हमारा बीजांड के कुछ समय के बाद की प्रस्तुति मानी जा सकती है। अब हमारा 13वां सवाल है, इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं और इसमें ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों वर्ड के बीच में क्या क्या अंतर है। जैसे कि हमारा पहला वर्ड है बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक, दूसरा वर्ड है प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल, तीसरा है अध्यावरण और बीज चोल, और चौथा है परिभ्रूणपोष एवं फल भित्ति। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है इस पे अध्ययन करते हैं कि इसमें दोनों में क्या क्या अंतर है। जैसे कि हमारा पहला है बीज पत्राधार, पहला हमारा क्या है बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक, इसमें क्या अंतर है, बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक जो है इसमें क्या अंतर है। तो देखिए बीज पत्राधार का मतलब होता है कि भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग जो कि बीज पत्र तथा मूलांकर के बीच स्थित रहता है। देखिए सबसे बड़ी बात, यानी बीज पत्राधार का मतलब होता है कि वैसा भाग जो कि बीज पत्र, याद रखिए जो कि बीज पत्र और मूलांकुर के बीच पाया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं बीज पत्राधार। यानी अगर आपसे पूछेगा बीज पत्राधार क्या है, तो
तो बीज पत्राधार वह भाग है जो कि बीज पत्र तथा मूलांकर के बीच में पाया जाता है, बीज पत्र तथा मूलांकर के बीच में पाया जाता है, जिसको हम लोग बीज पत्राधार के नाम से जानते हैं। और हमारा दूसरा है बीज पत्रोपरिक। बीज पत्रोपरिक वह भाग होता है जो कि बीज पत्र और परांकुर के बीच में पाया जाता है, बीज पत्र और परांकुर के बीच में पाया जाता है, जिसको हम लोग बीज पत्रोपरिक कहेंगे। तो ये दोनों परिभाषा आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए दोनों में क्या है कि एक तो बीज पत्र रहेगा, एक तो बीज पत्र रहेगा। अगर बीज पत्र और मूलांकुर के बीच की बात की जाए, याद रखिए बीज पत्र और मूलांकुर के बीच की बात की जाए, तो उस भाग को हम लोग बोलेंगे बीज पत्राधार। अब इसी में बीज पत्र और अगर परांकुर के बीच की बात की जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे बीज पत्रोपरिक। याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीज पत्रोपरिक बोलेंगे। यानी बीज का वह भाग जो बीज पत्र और मूलांकुर के बीच में पाया जाता हो उसे हम लोग बोलेंगे बीज पत्राधार, और बीज का वह भाग जो बीज पत्र और परांकुर के बीच पाया जाता हो उसे हम लोग बोलेंगे बीज पत्रोपरिक। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीज पत्रोपरिक बोलेंगे। दूसरा क्या है कि बीज के अंकुरण के समय बीज पत्राधार में तीव्र वृद्धि के कारण बीज पत्र मृदा के ऊपर आ जाते हैं। बीज पत्र क्या होते हैं, मृदा के ऊपर आ जाते हैं। यानी बीज पत्राधार है वो बीज के क्या होता है, ऊपर आ जाता है। क्यों ऊपर आ जाता है, क्योंकि इसमें मूलांकुर वाला भाग है। और इसका जस्ट विपरीत होगा कि जो बीज पत्रोपरिक है जब इसमें वृद्धि होता है तो यह जमीन के अंदर ही रह जाता है और उससे जड़ का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, जड़ का निर्माण। तो याद रखिएगा कि जो बीज पत्राधार है जब इसमें वृद्धि होती है तो ये जमीन के बाहर आ जाता है और उससे पौधे का तना विकसित होता है, और जो बीज पत्रोपरिक है जब उसमें वृद्धि होती है तो वह जमीन के नीचे चला जाता है और इससे जड़ का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, जड़ का निर्माण होता है। तो फिर से इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपको थ्योरी में नहीं देखने को मिला होगा, तो एक नया चीज है और इसको आप समझिए। क्या कह रहा कि बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक में क्या अंतर है। तो याद रखना कि बीज का वह भाग जो कि बीज पत्र और मूलांकुर के बीच पाया जाता है उसे हम लोग बीज पत्राधार कहेंगे, और बीज का वह भाग जो कि बीज पत्र और परांकुर के बीच पाया जाता है उसे हम लोग बीज पत्रोपरिक कहेंगे। पहला अंतर। दूसरा अंतर कि जब इसमें वृद्धि होता है या जमीन के बाहर चला जाता है और इससे तने का निर्माण होता है, इसको हम लोग बोलेंगे बीज पत्राधार। और बीज पत्रोपरिक में जब वृद्धि होता है ना तो यह जमीन के नीचे ही रह जाता है और इससे जड़ का निर्माण होता है। इससे बच्चों किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि परांकुर चोल और मूलांकुर चोल में क्या अंतर है। देखिए परांकुर चोल का मतलब होता है, मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि जैसे इससे पहले वाले भी आप सवाल में देखेंगे कि जो बीज पत्रोपारिक होते हैं वो हमारा कहलाता है परांकुर चोल, वो हमारा क्या कहलाता है, परांकुर चोल कहलाता है। और जो मूलांकुर होता है उसको हम लोग बीज पत्रोपरिक बोलते हैं, उसे हम लोग बीज पत्रोपरिक बोलते हैं। तो इसमें आपको इससे पूर्व भी मैंने बताया कि परांकुर चोल का मतलब होता है कि परांकुर चोल का कौन सा भाग होता है, बीज पत्रोपरिक होता है। और ये इसका काम क्या है कि यह परांकुर को सुरक्षा देता है, यह परांकुर को क्या करता है, सुरक्षा देता है। चोल का मतलब होता है आवरण, आप याद रखिएगा चोल का मतलब होता है आवरण। जैसे हम लोग ये कमीज पहने, ये हमारा एक चोला हो, तो चोल का मतलब होता है आवरण। तो यहाँ पर लिखा हुआ परांकुर चोल, तो मतलब परांकुर के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को हम लोग परांकुर चोल के नाम से जानते हैं। और ये किस में पाया जाता है, ये बीज पत्रोपरिक का भाग है। और इसका काम क्या है, यह परांकुर को सुरक्षा देता है, ये परांकुर को सुरक्षा देता है। इसके जस्ट विपरीत अगर हम बात करें मूलांकुर चोल की, तो मूलांकुर चोल का मतलब होता है कि मूलांकुर के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को हम लोग मूलांकुर चोल कहेंगे, और ये पाया जाता है बीज पत्राधार में, बीज पत्राधार में। और इसका काम है मूलांकुर को सुरक्षा देना, इसका काम है मूलांकुर को सुरक्षा देना। तो ये तीन पॉइंट आप लिख सकते हैं, तीन पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, तीन पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि परांकुर को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करने वाले जो आवरण होते हैं उसे हम लोग परांकुर चोल कहते हैं। दूसरा, ये जो किसका भाग है, ये बीज पत्रोपरिक का भाग है और इसका काम है परांकुर की सुरक्षा देना। बस इसके विपरीत इसमें लिखेंगे कि मूलांकुर के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को हम लोग मूलांकुर चोल कहते हैं, ये पाया जाता है बीज पत्राधार में और इसका काम है मूलांकुर को
सुरक्षा देना, इसका काम है मूलांकुर को सुरक्षा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, अध्याय आवरण तथा बीज चोल में क्या अंतर है? अध्याय आवरण तथा बीज चोल में क्या अंतर है? देखिए बीजांड, बीजांड काय को छोड़कर चारों ओर एक या दो सुरक्षात्मक आवरण से घिरा होता है, इसी आवरण को हम लोग बोलते हैं अध्यावरण। जैसे आप देखे होंगे कि जो बीजांड है उस बीजांड के चारों ओर एक या दो आवरण पाया जाता है, मैक्सिमम में दो आवरण पाया जाता है, जिसमें कि बाहर वाले आवरण को बाह्य आवरण कहेंगे और अंदर वाले आवरण को अंतःआवरण कहते हैं। कुल मिलाकर के दो आवरणों द्वारा घिरा होता है, इसी आवरण को हम लोग अध्यावरण के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बीज चोल, तो बीज चोल का मतलब ये होता है कि नाम से ही पता चलता है कि बीज के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को हम लोग बीज चोल कहते हैं। बीज के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, बीज चोल कहते हैं। अध्यावरण का भी दो भाग, अंतः अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण, और बीज चोल का भी दो आवरण, यानी एक होगा अंतः कवच और एक होगा बाह्य कवच, एक होगा अंतः कवच और एक होगा बाह्य कवच। तो इस तरह से आप इसका परिभाषा कर सकते हैं। अगला हमारा है कि परिभूर्ण पोष एवं फल भित्ति में क्या अंतर है? परिभूर्ण पोष और फल भित्ति में क्या अंतर है? तो देखिए कुछ बीज में बीजांड का एक पतले आवरण के रूप में बच जाता है, इसे हम लोग परिभूर्ण पोष कहते हैं। याद रखिएगा कितना इजी है कि कुछ बीज में बीजांड का एक पतले आवरण के रूप में बच जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं परिभूर्ण पोष। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है कि परिभूर्ण पोष किस किस फल में पाया जाता है, तो याद रखिए कुमुदिनी, काली मिर्च, चुकंदर, इन सभी में आपको परिपूर्ण पोष पाया जाएगा। फल भित्ति का मतलब आपको पता है कि फल के चारों ओर पाए जाने वाले भित्ति को हम लोग फल भित्ति कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया ही, इसी फल भित्ति से धीरे धीरे फल का निर्माण होता है और ये क्या करता है, फल को सूखने, खराब होने इत्यादि से जो है आपको बचाने का काम करता है। तो एक हमारा था परिपूर्ण पोष और एक था हमारा फल भित्ति। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 14 नंबर, करा एक सेब को आवासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? देखिए इसको आप पहले भी, मैंने आपको थ्योरी में पहले भी बता चुका हूं कि एक सेब को हम लोग आवासी फल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दुनिया में जितने भी फल हैं उसमें से लगभग 99% फल का निर्माण अंडाशय से होता है। तो जिन फलों का निर्माण अगर अंडाशय से हो उसे हम लोग बोलते हैं सत्य फल, लेकिन सेब एक ऐसा फल है जिसको हम लोग आभासी फल बोलते हैं, यानी असत्य फल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेब का जो निर्माण होता है वो अंडाशय से ना हो करके पुष्प के किसी अन्य भाग जैसे बाह्य दलपुंज या पुष्पासन से होता है, लेकिन अगर हम सेब की बात करें तो इसका निर्माण होता है पुष्पासन से। इसका निर्माण होता है किससे? पुष्पासन से। तो याद रखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। इसका सीधा आंसर होगा कि सेब एक ऐसा फल है जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, अतः इसको हम लोग आभासी फल कहते हैं। फिर आपको क्वेश्चन में पूछ ही रहा है कि इसका निर्माण फल के किस भाग से होता है, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है फल के पुष्पासन से होता है, इसका निर्माण फल के पुष्पासन से होता है। तो 14 का आंसर आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? सेब को आभासी फल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, और तो आखिर होता किससे? इसका निर्माण जो है वो पुष्पासन से होता है, इसलिए सेब को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी फल बोलते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल देख रहे हैं, कह रहा है विपुषण क्या है? एक पादप प्रजनन कब और क्यों तकनीक का प्रयोग करता है? इससे पूर्व मैंने एक सवाल पढ़ा था आपको, यहाँ पर विपुषण है, उधर दिया गया था बोरा वस्त्र आवरण यानी बैगिंग। देखिए विपुषण का मतलब होता है कि जब किसी निम्न गुणवत्ता वाले पौधों में, याद रखिए, जब किसी निम्न गुणवत्ता वाले पौधों में पराग कोष को परिपक्व होने से पहले ही काटकर हटा दिया जाता है, पराग कोष को परिपक्व होने से पहले ही काटकर हटा दिया जाता है, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं विपुषण। कहता है पादप प्रजनन में इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए चूंकि पौधा निम्न गुणवत्ता वाला है तो उसे परागकण भी तो निम्न गुणवत्ता वाला ही होगा ना, और वह निम्न गुणवत्ता वाला परागकण अगर वर्तिकाग पर गिरेगा तो निश्चित रूप से इससे जो बीज बनेंगे वो भी निम्न गुणवत्ता वाला होगा। अतः उच्च गुणवत्ता वाले बीज की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? विपुषण की क्रिया करते हैं, और निम्न गुणवत्ता वाले जो प्राग कोष हैं
उसको परिपक्व होने से पहले ही काटकर हटा देते। इस क्रिया को हम लोग कृत्रिम संकरीकरण विधि भी कह सकते हैं, समझे ना। और कृत्रिम संकरीकरण विधि के ही अंतर्गत दो क्रियाएं आती है, एक का नाम विपोषण है और दूसरे का नाम होता है वस्त्र बोरा आवरण, यानी बैगिंग या कैपिंग उसको आप कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक फलन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक फलन के लिए कौन से फल को चुनेंगे। तो देखिए हमारे बाजार में बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसको कि अनिषेक फलन है, जैसे कि हम आप सबसे अच्छा उदाहरण इसका हो जाएगा अनार। क्योंकि अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है कि निषेचन के फलस्वरूप बीज युक्त फल बनते हैं, लेकिन जब हम लोग बिना बीज वाले फल की उत्पत्ति कर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अनिषेक फलन। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लिया आपको केला खाना, दो तरह का केला आपको दिया जाए, एक केला में बीज हो और एक केला में बीज ना हो, तो आप किस केला को खाना चाहेंगे। तो आपको आपका आंसर होगा कि हम बिना बीज वाला केला खाना चाहेंगे। तो याद रखिए अनिषेक फलन का मतलब ही होता है कि कुछ वृद्धि कारकों का प्रयोग करके एक ऐसे फल का निर्माण करना जिसमें बीज नहीं पाया जाता हो। तो इस प्रकार के फल को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। और जितने भी बाजार में फल हैं जिसमें कि मान लीजिए कि बीज के कारण उसका स्वाद तो वही रहता है लेकिन खाने में समस्याएं उत्पन्न होती है, ऐसे फल को आप चुन सकते हो अनिषेक फलन के लिए। जैसे अनार में अगर जितना कम बीज हो उतना ज्यादा मार्केट में उसका डिमांड है। संतरा बिना बीज वाला बहुत अच्छा लगेगा, अभी गर्मी का मौसम है, बिना बीज वाला अगर तरबूज आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा संभव है, अनिषेक फलन के द्वारा इस प्रकार के फल का उत्पत्ति कराया जा सकता है, समझे ना। चलिए हमारा अगला सवाल है कि परागकण भित्ति की रचना में कैपिटम की क्या भूमिका होती है। देखिए परागकण भित्ति रचना यानी परागकण के चारों ओर जो भित्ति बन रहा है इसमें कैपिटम की क्या भूमिका है। तो देखिए लघु बीजाणु धानी की जो बाह्य तीन परतें होती है, लघु बीजाणु धानी को सुरक्षा प्रदान करती है और उसके स्फुटन में सहायता करती है, लेकिन इसका जो सबसे भीतरी आवरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम। और टेपिटम का मुख्य रूप से दो काम है बच्चों, याद रखना, एक तो परागकण को पोषण देना और परागकण के चारों ओर भित्ति का निर्माण करना। तो याद रखिएगा कि परागकण का निर्माण होता है लघु बीजाणु धानी के अंदर, और लघु बीजाणु धानी की कुल मिलाकर के चार भित्ति पाई जाती है। जो सबसे बाहरी भित्ति होती है उसको हम लोग बोलते हैं अंतास्टिशियम, सॉरी, जो सबसे बाहरी भित्ति होती है उसको हम लोग बोलते हैं अंतास्टिशियम। इसके बाद होता है बाह्य त्वचा, इसके बाद होता है मध्य स्तर, और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला भित्ति होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम। तो इसमें से जो तीन भित्ति है उन तीन भित्ति का में से सबसे ज्यादा अगर भूमिका किसी की होती है परागकण के निर्माण और भित्ति की रचना में तो होता है टेपिटम का। क्योंकि तो टेपिटम का ही काम है परागकण के चारों ओर भित्ति का भी निर्माण करना और साथ ही साथ उसको पोषण देना, ये दोनों काम किसका कहलाता है, तो परागकण का कहलाता है। अंतिम सवाल हमारा है एनसीईआरटी का कि असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। देखिए असंग जनन एक अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, लेकिन जो लैंगिक जनन की नकल करता है, याद रखिएगा जो ये असंग जनन है ये अलैंगिक प्रजनन की है, वास्तव में है क्या अलैंगिक प्रजनन, लेकिन ये क्या करता है कि लैंगिक जनन की नकल करता है। इसमें बीज के बिना ही, क्या कहता है, इसमें बीज निर्माण के बिना ही निषेचन होता है, यानी बिना निषेचन का ही फल का निर्माण करा दिया जाता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग असंग जनन के नाम से जानते हैं। और हमारे बाजार में बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसकी कि काफी अधिक डिमांड है, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने असंग जनन पर काफी अधिक बल दिया है और बहुत सारे ऐसे बीज भी तैयार कराए जा रहे हैं, तो जिसके कारण जो है आपको असंग जनन की जो प्रक्रिया है उस पर काफी अधिक ध्यान दिया गया है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में एक सवाल और पूछता है कि असंग जनन जो है इसकी खोज किसने की, या फिर इसका खोज किया गया 1908 ईस्वी में विंकल द्वारा, किसके द्वारा, ब्लिंकन के द्वारा, याद रखिएगा। और इस तरह से आपका जो है कुल मिलाकर के 18 जो ऑब्जेक्टिव सॉरी एनसीईआरटी प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं, क्योंकि कल टेस्ट है और हम लोग
कहीं बाहर से आए हैं, हमारा है क्या कि उसके बावजूद भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया इसलिए कि कल टेस्ट है, नहीं बहुत सारे बच्चों को एक बहाना मिल जाता कि सर एनसीईआरटी का प्रश्न उत्तर हुआ नहीं था और आपने टेस्ट ले लिया। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें थोड़ी सी इधर उधर भी हुई होगी, आपको पता भी लगा होगा, थोड़ा सा थकावट भी है, लेकिन कल टेस्ट है 11 बजे से। आप सभी छात्र एवं छात्राएं निश्चित रूप से प्रेजेंट होइए, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर से यात्रा करके आने के बावजूद हम आपके लिए वीडियो बनाएं। आपका काम है कि इसकी तैयारी कर लें और ये मटेरियल जो आपको अवेलेबल भी है उसमें पढ़िए, अगर कोई दिक्कत रह जाता है तो आप बाद में भी हमसे क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।